चैप्टर सिक्स में क्वेश्चन फर्स्ट हो गया था, क्वेश्चन टू हो गया था, क्वेश्चन थर्ड देखिए एमसीक्यू। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है ये बताना है, सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है इसको हमें बताना है। तो देखिए इसके फोर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन क्या है 5:8, ऑप्शन बी क्या है 1:4, ऑप्शन सी 10:33, ऑप्शन डी 2:3। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है कैसे पता करेंगे, सबसे बड़ा कौन है, इनके डिनोमिनेटर जो भी हैं इनके डिनोमिनेटर क्या है बेटा, उनका एलसीएम लेंगे हम लोग। डिनोमिनेटर क्या है 8, 4, 33 और 3, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, एलसीएम 8 कितना आएगा, कोई तो बताओ 264 आएगा, कितना आएगा 264। हाँ अब आप एलसीएम तो निकालना चाहते हैं कि हम बताएं उसको निकालना, आता है एलसीएम है ना। हाँ, देखिए बेटा एलसीएम आने के बाद सबके डिनोमिनेटर को 264 बनाएंगे, जैसे 5/8 है, इसमें 33, इसमें भी 33 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 है, इसमें 66, इसमें भी 66 का, और 10/33 है, इसमें 8 का और 8 का, तभी सेम बनेगा ना, 2/3 है, का करेंगे, ठीक है। देखिए इधर क्या बन जाएगा 15/264, इधर क्या बन जाएगा 66/264, यहां का क्या बन जाएगा 80/264, और यहां क्या बन जाएगा 88 से कितना हो जाएगा 176/264। बताइए इन सब में कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है, ये लास्ट वाला, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 4 में आपको क्या करना है, ए रेशियो बी 7:9 है, ए रेशियो बी 7:9 है, पेज नंबर 130 ये लिखा है ना बोर्ड पर, देखिए बी रेशियो सी 6:7 है, तो हमें ए रेशियो सी निकालना है। देखो बेटा हम कैसे निकालेंगे, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी कर देंगे, क्या हो जाएगा 7/9 मल्टीप्लाई 6/7, 7 से 7 कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए अपॉन सी। अच्छा 3 2 6, 3 3 9, क्या आया 2/3, तो ए रेशियो सी कितना आ रहा है 2:3, कितना आया 2:3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए का ये आंसर आ रहा है, यू आर चेकिंग दैट ऑप्शन ए गिव दिस आंसर, ओके। नाउ मूव ऑन, अब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं करवा रहा हूं,
क्वेश्चन नंबर 5 को मैं करवा रहा हूं, तो कैसे करेंगे? इसमें लिखा है एक सर्टेन मनी को डिवाइड किया है पी और क्यू में इन द रेशियो पी कैट 180 लेस देन क्यू देन क्यू शेयर्स। देखो बेटा, कौन सा नंबर क्वेश्चन है बेटा? फिफ्थ वाला। देखो P प्लस क्यू को पैसा मिला है, किस रेशियो में मिला है? 3:1:2 रेशियो 5:1:2, ठीक है ना? अच्छा, हमें ये बताइए कि P को कितना मिला है, पी को कितना रुपीस मिला है? वो बोल रहा है पी को 180 कम मिला है क्यू से। क्यू से कितना कम मिला है? 180। क्यू से कितना कम मिला है पी को? क्यू को जितना, हाँ, क्यू को जितना मिला है उससे 180 कम मिला है। पी को क्यू से 180 कम मिला है, ठीक है? अब आप देखिए बेटा, ए रेशियो है, ठीक है? ए रेशियो किस रेशियो में मिला है? ध्यान देखो बेटा, किस रेशियो में मिला है? 3:1:2। देखो ध्यान से देखो, एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। रुको, ध्यान से देखो बेटा, P अपॉन Q इक्वल टू P को किस क्या मिला है रेशियो में? 3:1:2 और इसको मिला है 5:1:2। अच्छा, P को Q से कितना कम मिला है? 180 कम मिला है, 180 क्या मिला है? कम मिला है। किससे? Q से, बोलो मिला है। अच्छा, इसको मिक्स्ड को सिंपल में 7:2 और इसको सिंपल में करेंगे तो 11:2। डिनोमिनेटर का 2:2 कट जाएगा, डिनोमिनेटर का 2:2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। बोलिए, हाँ, अब क्या बचेगा? Q माइनस 180 अपॉन Q इक्वल टू 7/11, ये बचा। अच्छा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा Q माइनस 180 से और 7 का हो जाएगा Q से। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 11 Q और 11 18 इंटू 11 कितना होता है? 1980 इक्वल टू 7 Q। आप देखिए बेटा, इधर कर दे रहा हूं मैं, 11Q, ए 7Q प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 1980 माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 4Q इक्वल टू 1980। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1980 अपॉन 4, 4 4 16, 4 9 36, 4 5 20। अच्छा, क्यू को इतना पैसा मिला तो क्यू का ही तो निकालना था। वो बोल रहा है क्यू को कितना मिला, तो आ गया आंसर, ऑप्शन बी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इन अ फ्रूट शॉप रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल एकर। देखिए, ऑरेंजेस और एप्पल का रेशियो दिया है आपको 2/5। कितना दिया बेटा? 2/5। अच्छा, इसमें एप्पल कितने हैं? 60। एप्पल कितने हैं? 60, तो 2/5। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × ऑरेंजेस इक्वल टू 2 × 60 और
ऑरेंजेस हैं, ये क्या है ऑरेंजेस और ये क्या है एप्पल। अच्छा 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 5। तो ऑरेंजेस कितने आए अपने 5 बन जा 5 12 जा 12 2 जा 24 ऑरेंजेस। कितने ऑरेंजेस आए 24। अच्छा नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ में लिखा है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। क्या निकालना है फोर्थ, तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। फोर्थ प्रोपोर्शनल को हमने माना एक्स है। अब आप देखिए एक्स है, एक्स अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है तो 1.2 अपॉन 3.9 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। ये फोर्थ को हमने क्या माना था, एक्स माना था बेटा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा ना, क्या बचेगा 12 अपॉन 39 और 2 अपॉन एक्स। ये पॉइंट से पॉइंट इसलिए हट रहा है कि एक डिजिट के पहले इधर भी पॉइंट है, एक डिजिट के पहले इधर भी पॉइंट, इसलिए हट गया है ना। 3 4 जा 12 और 3 13 जा 39, क्या बचा 4 अपॉन 39 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 39। ये 4x के मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 39 अपॉन 4। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और एक 239 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 19.5। तो आंसर क्या आया। अच्छा बेटा ये 13 मैंने गलत कर दिया, इधर 13 है ना, इधर 13 है, मैंने 39 लिख दिया, दिस इज 13, तो 6.5 आंसर। ये 13 है 6.5। ओके ओके द आंसर इज करेक्ट, वी पुट समवेयर ए, 39 3 से कट गया था ना तो मैंने फिर से 39 लिख दिया था, ये गलत हो गया था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके आ जाएगा, सही आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है ऑफ द 132 एग्जामिनीज ऑफ सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल 9:2। इफ 4 मोर स्टूडेंट पास्ड व्हाट वुड बी हैव द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट। ठीक है देखिए बेटा, हमारा ध्यान से देखना, टोटल स्टूडेंट लेट कांस्टेंट टर्म क्या मानेंगे, आपका नेटवर्क खराब है बेटा, नेटवर्क खराब है ना। अच्छा देखिए कांस्टेंट टर्म हमने एक्स लिया, अब यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म एक्स लेने पर आपको देखिए बुक बोल रहा है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो है 132, तो 9x सक्सेसफुल को क्या ले लेंगे हम 9x और अनसक्सेसफुल को क्या ले लेंगे हम 2x, और दोनों का सम कितना दिया है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 132, 11x इक्वल टू 132, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 132 अपॉन 11, क्या आया x इक्वल टू 12। तो सक्सेसफुल स्टूडेंट कितने कहलाएंगे अभी, 9 इंटू 12 इक्वल टू 108 और अनसक्सेसफुल कितने कहलाएंगे 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। ठीक है
ए सक्सेसफुल कैंडिडेट है, ए अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है। वो बोल रहा है अगर मोर फोर मोर स्टूडेंट पास हो जाते हैं तो फिर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो क्या रहेगा। देखिए नाउ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो कैसे निकालना है। देखिए सक्सेसफुल में वो बोल रहा है फोर और पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फोर और पास हो जाएंगे। अगर सक्सेसफुल में मतलब फोर और पास हो रहे हैं तो अनसक्सेसफुल में वो फोर स्टूडेंट हट जाएंगे, क्योंकि अनसक्सेसफुल से ही तो सक्सेसफुल बन रहे हैं, अनसक्सेसफुल से ही तो वो क्या बन रहा है, सक्सेसफुल बन रहा है। तो अब देखिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 108 में 4 ऐड कर देंगे और 424 में 4 माइनस कर देंगे। 108 में 4 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 112, और 24 में 1 माइनस 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 20। 4 से कैंसिल करोगे 28.5 आंसर, समझ गया ना। अगर फोर मोर कैंडिडेट पास हो जाते हैं देन यू हैव द आंसर 28.45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th में लिखा है बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 एबीसी इन रेशियो इट वाज डिवाइडेड इन द 2:3:4 हु गेन्ड द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। देखिए सुनना बेटा, डिवाइड करना था उनको 2:1:3:1:2:1:3:1:4, लेकिन उन्होंने डिवाइड किस में कर दिया, उन्होंने कर दिया 2:3:4। तो किसको ज्यादा मिल गया, हु गेन्ड द मोस्ट एंड बाय हाउ मच, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, देखिए 9th वाले में लिखा है बाय मिस्टेक। अब देखिए लेट कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म बी एक्स, बीच में हम एक लाइन कर रहे हैं, ए मिस्टेक वाला है उसने मिस्टेक से कर दिया, और एक करेक्ट वाला है जो उसने करेक्ट करना चाहिए था, जो उसे करेक्ट करना चाहिए था। देखिए कैसे किया, उसने ए 117 रुपीस को 3 लोगों में डिवाइड किया, एबीसी में, किसमें किया, एबीसी में। ए का रेशियो है 1:2 एक्स प्लस 1:3 एक्स प्लस 1:4 एक्स, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x। नाउ यू टेक द एलसीएम हियर, तो व्हाट इज द एलसीएम इज 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 6, तो 6x लिखेंगे, प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 इक्वल टू 117। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 13x/12=117। इधर 13x आएगा और इक्वल टू 117। इधर हम ऐसा करेंगे बेटा x इक्वल टू 12 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन 30, इधर 13 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा ठीक है, 13 बन जा 1, 13 9 जा 117।
1090 कितना होता है बेटा? 1098, और इधर x की वैल्यू कितनी आई? 9। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं करवा रहा हूं। हाँ, ध्यान से सुनना। अब आप देखिएगा कि क्या करना है आपको। अब आपको ए वाले को कितना पैसा मिला? ए वाले को मिला था 1/2x, तो 1/2 × 108 = ₹54 मिला। इधर ए वाले को कितना मिला? 2x, तो 2 × 9 = ₹18 मिला। इधर बी वाले को कितना मिला? 1/3x = 1/3 × 108 = 36। कितना मिला? 36। इधर बी वाले को कितना मिला? 3 × x, मतलब 3x है तो 3 × 9 = 27 मिला। इधर सी वाले को कितना मिला? 1/4 × 108 = 27। इधर सी वाले को कितना मिला? 4 × 9 = 36। कितना मिला? 36। तीनों को ऐड करोगे तो इधर भी 117 आ रहा होगा, कुछ मिस्टेक हो गई है, इधर 9 आना चाहिए, सॉरी। एक्स की वैल्यू इधर 13 आ रही है ना? आप लोग तो कुछ बोलते नहीं हो। ट्वेंटी सिक्स थर्टी नाइन फिफ्टी टू। अच्छा बताइए, गलती से ये मिलना चाहिए था कितना? मिलना चाहिए था कितना उनको? हाँ, ए मिलने चाहिए थे, वो मिल गए ए, तो किसको सबसे ज्यादा मिल गया? 52। सी वाले को सबसे ज्यादा मिल गया, तो आंसर क्या होगा? हेंस सी गॉट द हाईएस्ट। और कितना ज्यादा मिल गया उसको? सी गॉट द हाइएस्ट, और कितना ज्यादा मिल गया? एंड बाय कितना मिलना चाहिए था उसको? 27, और मिल गया 52, तो कितना ज्यादा मिल गया? 25 ज्यादा मिल गया ना, 25 रुपीज ज्यादा मिल गया। हाँ, तो बस ये आपका आंसर है। देखो, इतना आंसर है आपका, सी गॉट द हाईएस्ट। क्यों मिला सी को हाईएस्ट? क्योंकि गलती से उसे 52 मिल गए, और मिलना था 27 और मिल गए 52, तो सी गॉट द हाईएस्ट। और कितना ज्यादा मिल गया? 52 में से 27 माइनस करोगे 25, तो 25 रुपीज उसको क्या मिल गया? ज्यादा मिल गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री नंबर आर इन द रेशियो। ठीक है, देखिए, क्या बोला था? What are the numbers? देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, लेट द कॉन्स्टेंट टर्म बी एक्स, मानेंगे फर्स्ट नंबर 2x मानेंगे। ए वाला जो पार्ट है वो बाद में करना है, आफ्टर एक्स, एक्स की वैल्यू आने के बाद, आफ्टर एक्स, एक्स की वैल्यू आने के बाद। फिर आपको देखो, ए रेशियो दिए थे 2x, 3x, 4x, मैंने लिख दिया,
वो बोल रहा था तीनों के स्क्वायर का सम, अलग अलग स्क्वायर करोगे फिर सम कितना है 725। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर 725। फर्स्ट का स्क्वायर 4x², सेकंड का स्क्वायर 9x², इसका 16x² 725। 29 डिवाइड में कट गया, 25/5 आ गया, है ना। दिस इज योर आंसर। एनी डाउट?